शुभेंदु अधिकारी को लेकर पुरुलिया में लगे बैनर पोस्टर में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का फोटो नहीं, दादा अनुगामी नाम से लगाए गए बैनर पोस्टर को लेकर तृणमूल कांग्रेस में खींचा तान। तृणमूल कांग्रेस से एक दीदी सब एखे दादा देर कोनो भूमिका नहीं। दुर्गापुर बैराज के 31 नंबर लॉक गेट टूटने से हजारों लीटर पानी बेकार बहा, डीबीसी ने मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़ना किया बंद। तृणमूल कांग्रेस में शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे नेता है जो अपने दम पर राजनीतिक सफलता हासिल की है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें लेकर तृणमूल कांग्रेस में एक अजीब सी स्थिति है। वह पार्टी में रहेंगे कि या छोड़कर चले जाएंगे, इससे लेकर समय समय पर पार्टी के भीतर और बाहर मीडिया में चर्चा होती रहती है। सच तो यह है कि धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने शुभेंदु को किनारे लगाना शुरू कर दिया है। कई ऐसे मौके आए जब उन्हें पार्टी या फिर सरकार की प्रमुख बैठकों में नहीं बुलाया गया। इससे यह चर्चा और गर्म होती गई कि शुभेंदु अधिकारी, जो ममता बनर्जी की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, कभी भी तृणमूल कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इस चर्चा के साथ ही एक जोरदार चर्चा यह भी रही है कि शुभेंदु बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन कभी भी शुभेंदु ने ना तो तृणमूल कांग्रेस छोड़ने और ना ही बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में कुछ कहा है। बहरहाल शुभेंदु को लेकर पुरुलिया में तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी खींचातान बढ़ती दिख रही है। दरअसल यहां ऐसे बैनर और पोस्टर दिख रहे हैं जिसमें शुभेंदु अधिकारी को लेकर विजया सम्मेलन करने का जिक्र है। मजे की बात है कि इनमें ना तो तृणमूल कांग्रेस का झंडा है और ना ही ममता बनर्जी का फोटो। जिन लोगों ने यह बैनर और पोस्टर लगाए हैं, वे खुद को दादा अनुगामी यानी शुभेंदु अधिकारी के प्रशंसक बताते हैं। शुभेंदु के प्रशंसक गौतम राय ने कहा कि यह किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि हम सभी तृणमूल में है और शुभेंदु अधिकारी भी तृणमूल कांग्रेस में है। हमारी कोशिश है कि पुराने लोग जो अभी पार्टी के पदों पर नहीं है, उन्हें भी बुलाया जाए, उन्हें उचित सम्मान मिले, बैठक पार्टी के हित में चर्चा हो। कोविड परिस्थिति जननेता शुभेंदु अधिकारी पुरुलियार प्रांतिक मानुषर जो प्रचुर खाद्य सामग्री पाठिए अपना देखे से वितरण करो विजया सम्प्रीति यहाँ को राजनीति नय एखने तार किछु फैन फलोवर्स তৈরি হয়েছে আছে পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলে। তারা একটা আয়োজন করেছে যে একটা বিজয় সম্মেলন, যারা পুরনো মানুষ 98 সাল থেকে আছেন, অনেক দিন বসে আছেন, দেখা হয়নি, সবাইকে নিয়ে একটা ভালোবাসা, একটা সম্প্রীতি, একটা মিলন, এই জন্য একটা বিজয় সম্মেলনের আয়োজন করেছে। সেই সম্মেলনে নিশ্চয়ই আমরাও উপস্থিত থাকব, অনেকেই আসবেন। लेकिन इधर पुरुलिया तृणमूल कांग्रेस के जिला प्रवक्ता नवेंद्र महाली ने कहा कि कोई भी किसी तरह का कोई कार्यक्रम कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बंगाल में कोई दादा नहीं है, है तो बस दीदी ममता बनर्जी। शहरे बैनर देखा गया है दादार अनुगामी बोले एक बैनर पड़े, शुभेंदु अधिकारी निश्चय छवि आते प्रत्येक राजनैतिक नेतार ही तो कि फलोवर्स थे अनुगामी थे एखे तरह कि अनुगामी आ তারা হয়তো উদ্যোগ নিয়ে করেছে, এটাতে দলের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তৃণমূল কংগ্রেসে এখানে দিদিই সব, এখানে দাদাদের কোনো ভূমিকা নেই, তৃণমূল কংগ্রেসে দিদিই সব, তাই এটার প্রভাব সেই ধরনের রাজনৈতিকভাবে কিছু পড়বে না। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কোনো দাদার অনুগামী হয়ে কোনো সম্মেলন করতেই পারে। বিভিন্ন কর্মসূচিতে উনি থাকছেন, উনি তো সুকুমার হাসদা মন্ত্রী, তার প্রয়াণে উনি গিয়েছিলেন, বিজয় সম্মেলনে করছেন, বিভিন্নভাবে কাজ করছেন, যার এলাকায় একজন হয়। এখনও তো উনি দলের কোথাও ঘোষণা করেননি বা মন্ত্রিত্ব থেকে পদ ত্যাগের কোনো ঘোষণা করেননি, স্বাভাবিক সে এখন দলেই আছেন। পশ্চিম বর্ধমান জেলাকে বুদবুদ বাইপাসকে 2 নম্বর রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ পর এক অলকতরা লদা ট্যাঙ্কর অচানক সে পলট গয়া। হালাকি ইস ঘটনা মে ট্যাঙ্কর কে চালক ও সহায়ক বাল বাল বচ গয়ে। শনিবার কো দুর্গাপুরগামী ইয়ে ট্যাঙ্কর अपने सामने जा रही एक तेज रफ्तार लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान टैंकर अनियंत्रित हो गया और सड़क पर पलट गया। इस हादसे के बाद बर्धमान जाने वाली सड़क पर चारों ओर अलकतरा फैल गया। इस कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही थम गई। इधर दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर बुदबुद थाना की पुलिस पहुंची और 4 क्रेनों की मदद से टैंकर को सड़क से हटाया गया। इसके बाद उस सड़क पर वाहनों की आवाजाही सामान्य हुई। Vindhi vindhi resa
आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हमने कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी सूट लहंगा के लुप्त उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। अभी बीते साल की ही बात है कि दुर्गापुर बैरेज का एक लॉक गेट टूट गया था और इस कारण काफी जल बर्बाद हुआ था। वहीं इससे आसपास के इलाकों में भी जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आम लोगों को पानी के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। शनिवार की सुबह एक बार फिर से बांध के एक गेट टूटने की सूचना मिली। शुक्रवार की रात को बांध के 31 नंबर गेट के टूटने के कारण बांध में स्टोर किया हुआ जल तेजी से बाहर निकल रहा था। बताया जा रहा है कि बांध का 31 नंबर गेट किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो गया और उससे तेजी से जल बाहर निकलने लगा। सूचना पाकर मौके पर राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारी तत्काल पहुंचे और बांध के क्षतिग्रस्त लॉक गेट की मरम्मत करने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि बीते साल लाखों रुपए खर्च करके दुर्गापुर बांध के सभी गेटों की मरम्मत कराई गई थी। इस बीच फिर से दुर्गापुर बांध का 31 नंबर लॉक गेट क्षतिग्रस्त हो गया है। लॉक गेट के टूटने के कारण वहां से तेजी से जल निकल रहा है। बांध का लॉक गेट टूटने से दुर्गापुर समेत आसपास के इलाकों में जल संकट उत्पन्न होने की आशंका बढ़ गई है। औद्योगिक इलाकों के साथ ही आवासीय इलाकों में भी पानी को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं इस घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों का कहना है कि यह एक स्वाभाविक घटना है। इस पक्ष के लोगों का कहना है कि किसी भी निर्माण का क्षय होता है, संबंधित विभाग को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। इस घटना के कारण जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस पक्ष का यह भी कहना है कि औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ही आवासीय इलाकों में भी जल समस्या के हालात बन सकते हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासनिक इकाई को जल स्टोर करने को कहा गया है। इसके समाधान हेतु कोलकाता से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही समस्या का समाधान निकल आएगा। एक ही जगह पुनरावृत्ति होनी गत बार जेटा हुई फर्स्ट गेट এবারে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে 31 নম্বর লক গেট। এবং এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে জলের প্রেসারে যে চ্যানেলের মধ্যে গেটটা লক ছিল সেই চ্যানেল থেকে অনেকটা হচ্ছে সরে এসেছে। তো এটা স্বাভাবিক ঘটনা, যেটা যেটা আপনি তৈরি করবেন তার তো ক্ষয় থাকবে, তো সেটাই হয়েছে। এবং কনসার্ন মিনিস্ট্রি থেকে শুরু করে কনসার্ন ডিপার্টমেন্টকে খবর দেওয়া হয়েছে যাতে দ্রুততার সাথে এটাকে ठीक करा जाए। इधर विपक्षी दलों ने बांध में आई समस्या के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार बताया है। कहा है कि यह राज्य सरकार की विफलता का स्पष्ट उदाहरण है, इसका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर विधान चंद्र राय ने इसका निर्माण करवाया था। इस बैरेज की मरम्मत की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उम्मीद करते हैं इसका कोई उपाय जल्द होगा, हम सरकार को इसकी जानकारी देंगे। राज्य सरकार विभिन्न पर्यायर व्यर्थता उदाहरण, তার কারণ এটার মেনটেনেন্স ঠিকভাবে হচ্ছে না। সেই ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় করেছিলেন, তারপরে সমস্ত এর মেনটেনেন্সের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। এই এটা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা, আশা করছি নিশ্চয়ই এর ব্যবস্থা হবে, আমরাও সরকারকে জানাচ্ছি। বহরহাল ঘটনা কি জানকারি মিলনে কে বাদ কেন্দ্র সরকার কে অধীন ডিবিসি কে ম্যাথন বাঁধ কে ইঞ্জিনিয়ারো নে দুর্গাপুর ব্যারেজ কে টুটে লক গেট কা নিরীক্ষণ কিয়া। मैथन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभिषेक शुक्ला ने कहा कि दुर्गापुर बैरेज के लॉक गेट टूटने की वजह से पंचेत और मैथन डैम से पानी छोड़ना बंद कर दिया गया ताकि पानी बेकार नहीं जाए। है कि हमें यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन यह है कि हमें वाटर इस एरिया में रहे, यहाँ पे जो लोकल सप्लाई होती है इंडस्ट्रियल म्यूनसिपल उसको इंश्योर करने के लिए, और
लोगों ने तो आज बंद कर दिया, क्योंकि जब तक इसका काम ठीक नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं घूम सकते। माइथन पंचायत से जो माइथन पंचायत से जो पानी हम लोग छोड़ते हैं फॉर इंडस्ट्रियल म्यूनसिपल सप्लाई वो आपकी बंद है, वो फिलहाल बंद है और वो रिज्यूम किया जाएगा जैसे ही यहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे और इसको ठीक कर दिया जाएगा। और जहाँ तक गेट रिपेयर मेंटेनेंस की बात है, ये वी बिलीव कि इसको इरीगेशन डिपार्टमेंट जल्द से जल्द सुधार ले। और हमारा एक और हमें पता भी चला है कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ रिपेयर वर्क का काम चल रहा था, कुछ कुछ गेट बदले भी गए हैं, मे बी इन फ्यूचर उनको ये भी ठीक करना चाहिए। दुर्गा राणा की आवाज में अब भी कशिश है, वही ताजगी है जो पहले हुआ करती थी और जिनको सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। दरअसल डिसरगढ़ में रहने वाले दुर्गा राणा कभी आसनसोल शिल्पांचल के किशोर कुमार कहे जाते थे। वह किशोर कुमार की आवाज में ऑर्केस्ट्रा गायक थे, उनकी लोकप्रियता काफी थी, लेकिन कोरोना संकट शुरू होने के बाद मार्च में लगे लॉकडाउन से सब कुछ बंद हो गया। दुर्गा राणा का ऑर्केस्ट्रा भी बंद हो गया, जिससे वे काफी आर्थिक मुसीबतों में घिर गए। घर चलाने के लिए बाध्य होकर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। इस दौरान जब आसनसोल नगर निगम के तत्कालीन मेयर और वर्तमान में प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी डिसरगढ़ गए तो दुर्गा राणा ने अपने टूटे घर बना देने का अनुरोध उनसे किया था। उनके इस अनुरोध को रखते हुए जितेंद्र तिवारी ने उनके घर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए वह स्वयं डिसरगढ़ गए। यहाँ उनके साथ कुलटी के विधायक उज्ज्वल चटर्जी, नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य मीर हासिम समेत अन्य लोग मौजूद थे। नारियल फोड़कर दुर्गा राणा के नए घर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। घर का निर्माण कार्य शुरू होने पर दुर्गा राणा काफी खुश दिखाई दिए। वहीं जितेंद्र तिवारी ने कहा कि दुर्गा राणा ने उनसे घर बना देने की गुजारिश की थी, अब यह काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर हम सभी जरूरतमंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कलाकारों, लेखकों और बुद्धिजीवियों के सहयोग के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। न्यूज़पेपर एक खबर एवं न्यूज़ चैनल पोर्टाले हमें जानते परि जे दुर्गादा हमारे अनेक शैशव बीतीचे अने के जो किशोर छिलाम तक उनार ऑर्केस्ट्रा शुनार जन्य सबाई पागल छिलो शिल्पाचले। उनी एक असुविधार मध्य आछेन, तो आमरा परवर्ती क्षेत्र उनार बाड़ीते आसी एवं देखी सत्यि उनी असुविधार मध्य आछेन। तो उनी बोलेछिलेन जे उनार बाड़ीटा जेटा भेंगे गेछे सेटा जेन्य करे देवा हय आर चिकित्सार व्यवस्था, तो आमरा बोलेछिलाम जे एटा करे देब। आज उनार बाड़ीर काज शुरू हलो। आमादेर विधायक उज्ज्वल चट्टोपाध्याय छिलेन, आमादेर कुलटीर समस्त प्राक्तन काउंसिलर आछेन, आमार ब्लक सभापति आछेन, युवा सभापति आछेन, बाप्पा मूलत आमार संगे जोगाजोग करिये दिएछिलो ए वार्डे, आमार जनप्रिय काउंसिलर, आमार जिला नेता। तो आज एसेछि, उनार घरेर काज शुरू हलो एबं चिकित्सार दायित्व आमरा निएछि एबं आजके गानेर एकटा आसर बसेछिलो एबं अनेके अनेके आज तार पुरोनो दिन फिरे पेयेछेन। तो एटा आमरा दुर्गादा ওনার যা হলো সেটা তো হলোই, উনি আমাদের অনেককেই আমাদের পুরনো দিন ফিরিয়ে দিলেন, আমরা ওনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ওনার পাশে আমরা থাকবো। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस ने पूरे देश में किसान श्रमिक अधिकार दिवस मनाया। आसनसोल शिल्पांचल में भी बर्णपुर के स्कोप गेट के समक्ष स्थित इंदिरा गांधी की मूर्ति के सामने कांग्रेसियों ने सभा कर जहां कांग्रेस की नीतियों के समर्थन में नारे लगाए, वहीं केंद्र सरकार की किसान श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सबसे पहले कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि दी। यहां कांग्रेस के पश्चिम बर्धमान जिला के अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती और कार्यकारी अध्यक्ष हरजीत सिंह समेत अन्य पार्टी नेता, इंटक नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्र की नीतियों के खिलाफ विरोध करने की शपथ ली गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि बिल के जरिए किसानों पर आघात किया है। देखो, जैसे पार्लियामेंट में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और उनका जो नेता नरेंद्र मोदी जी, ये कृषि बिल और श्रमिक बिल ये पास किया है नया, इसमें कृषि और श्रमिक दोनों का जो वर्कर है इसका अधिकार सुरक्षित नहीं रहता है।
इसके विरोध में आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और इंदिरा जी का तिरोधान दिवस है, ये दोनों को सामने रख के आज पूरा भारतवर्ष में हम लोग कृषि आर्य श्रमिक का बिल का विरोध कर रहा है अनशन सत्याग्रह का माध्यम से। वहीं कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष हरजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार देश के श्रमिकों के हितों के खिलाफ काम कर रही है, उसने लेबर लॉ को कमजोर कर पूंजीपतियों के हित में काम किया है। आज हम लोग इंदिरा गांधी की मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन टेंशन पर बैठे हैं। इसका मुख्य कारण है कि आज देश में जो लेबर लॉस 44 लेबर लॉस को अमेंडमेंट करके 4 लेबर लॉस को कर दिया, मजदूरों का जो अधिकार की लड़ाई थी उसको खत्म कर दिया। यहाँ के अपने लड़ाई के लिए RLC लेबर कोर्ट भी नहीं जा सकता और अपने अधिकार के लिए मालिक से लड़ भी नहीं सकता। इसका हम लोग प्रतिवाद करते हैं।